तो इसका रिंग और पिस्टन और लाइनर सिलेंडर ये सारे पार्ट्सों को हमने सेट कर लिया, और कनेक्टिंग बिगन बैरिंग को भी, और हेड वाल्व सील भी चेंज करना था वो भी चेंज कर लिया जल्दी से ताकि वीडियो लंबा ना हो। और अब हम ये टाइपिट सेटिंग करेंगे इसका। तो इसका टाइपिट सेटिंग करने के बाद हमें नीचे सम्प लगाना है और कुछ काम भी अभी बाकी है। तो अभी हम इंजन को घुमा लेंगे और इसका हम फायरिंग ऑर्डर से टाइपिट सेटिंग नहीं करेंगे। इसे फायरिंग ऑर्डर से टाइपिट सेटिंग का एक वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे, अभी डाले नहीं है। लेकिन इसमें हम आसानी से जो हम अपने तरीके से टाइपिट सेट करते हैं उसे उस तरह से हम अपना फिजिकली टाइप से हम इसमें बताएंगे सिस्टम कि कैसे टाइपिट दो चक्कर में इसका सेट हो जाता है, और फायरिंग ऑर्डर से भी दो चक्कर में इसका 6 टाइपिट सेट हो जाता है। और ऐसे भी जो हम अभी तरीका फिजिकली बताने वाले हैं तो उससे भी आपका दो राउंड में ही इंजन का एक पूरी 6 टाइपिट जो है इनलेट और एग्जास्ट का टोटल 6 टाइपिट, ये 6 चिड़िया दो राउंड में ही इंजन के सेट हो जाता है। तो उसके लिए हमें इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाना है क्लॉक वाइज, जिधर घड़ी घूमता है, और सीधी दिशा में घुमाते हुए ये ध्यान रखना है कि एक नंबर आगे से फ्रंट साइड से ये वाला फर्स्ट एक नंबर टाइपेट, और ये 4 नंबर, यहाँ ये 4 नंबर, 1 2 3 4, तो पहला और ये चौथा, ये दबेगा और जैसे ही दबकर उठने का प्रयास करेगा, यानी कि दबेगा मतलब ये पहला और चौथा वाल्व ओपन होगा। तो जब ये ओपन होने की तैयारी में होगा और ओपन होने के बाद पूरी तरह से दबने के बाद जैसे ही ऊपर उठने की तैयारी करेगा, उठने का प्रयास करेगा, उसी जगह पर हम रुक जाएंगे, और रुकने के बाद 1 और 4 नंबर को छोड़कर 2nd, 3rd, 5 और 6 ये टाइपेट को सेट कर लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद में फिर से दूसरा राउंड हम घुमाएंगे, तो दूसरा राउंड में कौन सा टाइपेट का चिड़िया ओपन होगा, 3 और 6, यानी कि ये 3 और ये 6, उसके बाद हम 1 और 4 को फिर सेट कर लेंगे सेकंड राउंड में। तो इस तरह से ये टाइपिट सेटिंग का क्रिया पूरा करते हैं। तो अभी हम उसी तरह से सेट करेंगे, और ये भी आसान ही है, इसमें फायरिंग ऑर्डर देखने का ज़रूरत नहीं होता है, अपना घुमाकर और उसी तरह से दो राउंड में इंजन को घुमाकर और पूरी टाइपिट को हम सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये भी पहचान करना होता है कि इसका एक इनटेक वाल्व है, इनलेट वाल्व है, और एक एग्जास्ट, तो इनलेट कौन सा है और एग्जास्ट कौन सा है। तो ये फर्स्ट आगे वाला जो है टाइपिट ये है इनलेट, क्योंकि ये इनलेट मैनिफोल्ड के सामने है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से हवा लेता है इनटेक वाला, और ये दूसरा वाला जो है ये एग्जास्ट वाल्व है, ये साइलेंसर के गैलरी के पास है, और ये फर्स्ट वाला एयर क्लीनर मैनिफोल्ड के सामने है, तो ये इनलेट वाल्व है और दूसरा एग्जास्ट वाल्व, फिर इनलेट वाल्व, इनलेट मैनिफोल्ड के सामने इनलेट वाल्व, और फिर बगल वाला एग्जास्ट पोर्ट के सामने, फिर इनलेट, फिर एग्जास्ट, यानी कि इनलेट एग्जास्ट इनलेट एग्जास्ट। तो इसका इनलेट का क्लीयरेंस वाल्व क्लीयरेंस 0.30 मिलीमीटर रखते हैं, और एग्जास्ट का 0.40 मिलीमीटर, क्योंकि ये थोड़ा सा इनलेट से, इनलेट वाल्व क्लीयरेंस से एग्जास्ट वाल्व क्लीयरेंस का गैप ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इनलेट वाला हमेशा एयर लेता है और एयर के संपर्क में रहता है, इसके कारण से ये गर्म होने का इसे संभावना कम रहता है, इसके कारण ये कम रहता है एग्जास्ट वाल्व के अनुकूल। और एग्जास्ट वाल्व को इनलेट के अनुकूल ज़्यादा देते हैं 0.10 मिलीमीटर, क्योंकि इसमें 0.30 मिलीमीटर इनलेट वाल्व का और 0.40 मिलीमीटर एग्जास्ट का। तो एग्जास्ट का ज़्यादा इसलिए देते हैं इनलेट के अनुकूल कि एग्जास्ट वाल्व हर समय एग्जास्टिंग करता है और इंजन के अंदर जला हुआ गैसों को जितना जल्दी से जल्दी बाहर निकालता है, और हर समय ये गर्म हवा तापमान के संपर्क में रहने से ये वाल्व एग्जास्ट वाल्व को अपने आयतन बढ़ाने का संभावना ज़्यादा रहता है, इसका डंडी लंबाई बढ़ जाता है, जिसके कारण से इसमें क्लीयरेंस ज़्यादा दिया जाता है इनलेट के अनुकूल एग्जास्ट का। तो अभी हम सेट करेंगे इसका दोनों वाल्व का क्लीयरेंस। तो सबसे पहले हम इंजन को घुमा लेते हैं, तो घड़ी की सीधा दिशा में घुमाएंगे, और ये 1 नंबर और ये 4 नंबर, ये दोनों ओपन होगा, यानी कि नीचे की ओर दबेगा, तो ये देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइपिट चिड़िया दबा हुआ है, और 2nd, 3rd और ये 4th ये भी दबा हुआ है और उठने का तैयारी में है। तो ये 1 नंबर और ये 4 नंबर पूरी तरह से दब चुका है। तो इसके बाद हम सारे चिड़िया को सेट कर लेंगे, और उसे पहचानना होगा कि कौन सा इनलेट है और कौन सा एग्जास्ट है। तो अभी हम 1 और 4 को छोड़कर बाकी सारे चिड़िया को सेट कर लेंगे। तो ये 2nd 2 नंबर का चिड़िया को सेट कर लेंगे, और ये
एग्जास्ट है, एग्जास्ट वाल्व है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लॉक नट को लूज कर लेंगे और एग्जास्ट का क्लियरेंस 0.40 मिलीमीटर, जैसा कि देख सकते हैं ये फिलर गेज, और इसमें एक 0.30 मिलीमीटर है और एक 0.40 मिलीमीटर है। तो अभी हम एग्जास्ट सेट कर रहे हैं बल्ब को क्लियरेंस, तो इसके लिए हमें ये 0.40 मिलीमीटर। तो लॉक नट को खोलने के बाद इसे हल्का सा स्क्रू को लूज करेंगे और इस तरह से इसे बल्ब हेड और टेपेट चिड़िया के बीच में इस तरह से ये फिलर गेज को चलना चाहिए, और ये ज़्यादा दबाव में नहीं चलना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ये दोनों दो फिंगर, हाथों के दो फिंगर की मदद से इशारा से बिल्कुल इस तरह से चलना चाहिए। तो इसे हमने 0.40 मिलीमीटर का गैप दिया क्योंकि ये एग्जास्ट पोर्ट के सामने था और एग्जास्ट बल्ब था। अब हम इसे इसका लॉक नट को टाइट कर लेंगे। तो ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है। उसके बाद ये तीसरा नंबर का चिड़िया, और ये इनलेट है क्योंकि इनटेक पोर्ट के सामने है, ये देख सकते हैं इनटेक है, इनलेट वाल्व है तीसरा नंबर का, और ये देख सकते हैं इनलेट मैनिफोल्ड के सामने है। तो इसका 0.30 मिलीमीटर का क्लियरेंस देंगे। इनलेट का 0.30 मिलीमीटर, हल्का सा और इसे टाइट करेंगे। तो ये 0.30 मिलीमीटर बिल्कुल एकदम इसी तरह से क्लियरेंस होना चाहिए। ये ज़्यादा कुछ लूज है, इसे और थोड़ा सा हमें कम करना होगा क्लियरेंस को। ये देख सकते हैं 0.30 मिलीमीटर, और इसमें अगर हम चेक करेंगे तो 0.40 मिलीमीटर का ये गेज जाएगा ही नहीं, जैसा कि देख सकते हैं। हम परफेक्ट सेट हुआ है कि नहीं इसके लिए हम इसे चेक भी कर सकते हैं, यानी कि अभी हमने इसे 0.30 मिलीमीटर का स्पेस दिया और ये 0.40 एग्जास्ट वाला लगा कर देखेंगे तो देख सकते हैं ये बिल्कुल भी टाइट है, और उसमें हेड स्टेम बल्ब हेड और टेपेट चिड़िया के बीच में ये जा ही नहीं रहा है ये बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि 0.30 मिलीमीटर परफेक्ट सेट हो चुका है, और अगर ये 0.30 मिलीमीटर से ज़्यादा होता तो ये 0.40 मिलीमीटर भी 0.40 mm भी इसमें चला जाता। तो इसका मतलब है कि 0.30 मिलीमीटर परफेक्ट और सही सेट हो चुका है। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि सही जितना हमने इसे सेट किया है उतना सेट है या उससे ज़्यादा हो चुका है, तो देख सकते हैं इस तरह से हम सेट करते हैं। अब उसके बाद ये चौथा नंबर, तो ये तो दबा हुआ है, तो इसके बाद ये पाँचवा नंबर का, और ये भी इनलेट है, तो इसका ये देख सकते हैं इनलेट पोर्ट के सामने है, तो इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट के सामने ये चिड़िया है, तो इनलेट है, इनलेट वाल्व। तो इसका 0.30 मिलीमीटर,
देखो ये भी 0.30 मिलीमीटर सेट हो चुका है, 40 तो जाएगा नहीं। उसके बाद ये छठा नंबर का चिड़िया जो कि ये एग्जास्ट है, वो साइड में एग्जास्ट पोर्ट के सामने है ये चिड़िया, तो एग्जास्ट बल्ब है, तो इसका हमें 0.40 मिलीमीटर, 0.40 इससे सेट करेंगे। थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा, तो ये भी एग्जास्ट चिड़िया 0.40 मिलीमीटर ये भी हो चुका है। तो ये फर्स्ट राउंड में हमने 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर का टाइपिट को सेट कर लिया है, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 5वां और ये 6ठा। और फिर से हम एक राउंड इंजन को फिर से घुमाएंगे और दूसरा राउंड में ये जो दबा हुआ है 1 नंबर और ये 4 नंबर, ये दोनों टाइपिट को सेट कर लेंगे। तो अभी हम इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाएंगे और अभी 3 नंबर और ये 6 नंबर, अभी जब हम घुमाएंगे तो ये ध्यान देने वाला बात है, ये 3 नंबर और 6 नंबर का चिड़िया दबेगा, यानी कि बल्ब 3 नंबर और 6 नंबर दबेगा। जैसे पहले 1 नंबर और 4 नंबर दबा था तो हमने सारे टिपिट चिड़िया को सेट कर लिया। और दोबारा राउंड में हमें ये ध्यान देना है कि जब हम इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाएँगे, जब हम दूसरा राउंड घुमाएँगे अब, तो इसमें ध्यान देना है कि ये 3रा और 6ठा, 1, 2, 3, तीसरा और ये 6ठा, ये दबेगा। जैसे पहले पहला और चौथा दबा था तो अवर में, दोबारा दूसरा राउंड में 3रा और 6ठा चिड़िया दबेगा और दब के जैसे ही उठने का प्रयास करेगा, दबेगा मतलब 3रा और 6ठा ओपन होगा बल्ब, और जैसे ही ओपन होने के बाद क्लोज होने की तैयारी में होगा तो फिर हम रुक जाएंगे और जो पहला और चौथा नंबर का था उसे सेट कर लेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, अभी हम इंजन को घुमाएँगे, ये 3रा और यहाँ ये 6ठा दबेगा, देखा 3रा दबने लगा और 6ठा भी दबने लगा, तो ये उठने का तैयारी किया। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी पहला, दूसरा और ये 3रा दबा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो अब हम जो पहले दबा था 1 नंबर और 4 नंबर उसे सेट कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ से ये है और ना, ये फर्स्ट 1 नंबर 2, 3, 4, 1 और 4 को हमें सेट कर लेना है, तो ये पहला 1 नंबर का जो टिपिट चिड़िया है वो देख सकते हैं, इनलेट बल्ब है, इनलेट मैनिफोल्ड के सामने है, तो इनलेट है और इसका 0.30 मिलीमीटर, कहाँ है 30, ये 0.30 मिलीमीटर से इसे सेट करेंगे क्लियरेंस। तो जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है, थोड़ा सा और हल्का लोड देना पड़ेगा, तो बिल्कुल फ्री मूव हो रहा है। और इसमें देखें 0.40 को लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये 0.30 मिलीमीटर परफेक्ट सेट हो चुका है। और इसके लॉक नोट को भी टाइट कर लगा, और 4 नंबर, 1, 2, 3 और ये 4, उस समय 4था नंबर भी दबा हुआ था तो इसे भी सेट कर लगा, 4था नंबर है और ये एग्जास्ट पोर्ट के सामने है वो साइड में,
क्योंकि ये इनलेट पोर्ट के सामने नहीं है, इनलेट पोर्ट से आउट है। तो ये एग्जास्ट वाल्व है, चौथा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि इनलेट, एग्जास्ट, इनलेट और ये एग्जास्ट, चौथा नंबर, 1, 2, 3, 4। तो ये चौथा नंबर का एग्जास्ट है। तो इसके लिए हमें 0.40 मिलीमीटर का क्लियरेंस देना होगा, 0.40। ये टाइट है तो इसे लूज करना होगा, इसके स्क्रू को, लॉक नट को। ज़्यादा हो, थोड़ा सा इसे और हल्का सा टाइट करेंगे तो ये देख सकते हैं, ये एग्जास्ट पोर्ट, ये एग्जास्ट वाल्व है और ये 0.40 मिलीमीटर। घूम गया हल्का, तो 0.40 मिलीमीटर बिल्कुल इसका क्लियरेंस सेट हो गया है। अब इसी जगह में इसे टाइट कर देंगे, रुक जा। तो इसका सारा दो राउंड में आपने देखा कि किस तरह से इसका टाइप फिट का सेटिंग किया। और अब इसके बाद हमें ये नीचे सम्प लगाना है, ऑयल डालना है और पाइप कनेक्शन, और ये सारे जो हमने हाउस पाइप, रेडिवाटर का, कूलिंग सिस्टम का जो भी पाइप और ये कैप, रेडिवाटर कैप खोला हुआ था, इसको हम असेंबल करेंगे और उसके बाद हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएँगे। तो पहले हमने दिखाया था किस तरह से इसका इंजन दब रहा था और कौन कौन से पार्ट्स इसमें डैमेज हुआ था और किस कारण से हुआ था, इंजन ओवरहीट होने के कारण से, नज़रअंदाजी, लापरवाही या गलती के कारण से। तो हम इसे जल्दी से फटाफट सेट कर लेते हैं सारे पार्ट्स को, और उसके बाद ट्रैक्टर को फिर से हम स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो हाँ दोस्तों, हमने इसका जो इंजन हाफ इंजन जॉब किया था वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है। इसका जो जो हमने पार्ट्स को चेंज किया और क्या प्रॉब्लम था वो भी दिखाया था पहले हमने, और उसका जो पार्ट्स डैमेज हुआ था उसे भी चेंज किया, वो भी आपको दिखाया। और इसमें जो काम बाकी था, सम्प लगाना, आयल डालना, टैप पिट सेटिंग जो हमने दिखाया पहले ही वीडियो में, टैप पिट कवर लगाना और पाइपलाइन कनेक्शन, कूलिंग सिस्टम का पाइपलाइन कनेक्शन, तो सारे कनेक्शन को हमने असेंबल कर लिया है और पूरी तरह से ट्रैक्टर कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे ट्रैक्टर को, और अभी हमें इस ट्रैक्टर को कम से कम 5-6 घंटा 8 घंटा तक के फ्री आइडल चलाना है, बिल्कुल किसी लोड के, बिना लोड के ट्रैक्टर को 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा तक चलाएँगे, ताकि इसका जो इंजन का रिंग है वो अच्छे से सेटिंग हो जाए और जो धुआँ है, स्मोकिंग है, अभी हमने इसके पिस्टन में या रिंग में भी जो आयल लगाया है वो पूरी तरह से जल जाए, यानी कहने का मतलब कि जो वाइट स्मोकिंग आता है, धुआँ आता है, वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाए और धुआँ आना बंद हो जाए। तो इसके लिए हमें फ्री इसको आइडल इंजन को रामा करना होगा और उसमें 7-8 घंटा तक के इसको फ्री चलाएंगे बिना किसी लोड के, ताकि जो इसका इंजन का रिंग है और जो पार्ट्स लगा है नया, कनेक्टिंग बैरिंग, रिंग, लाइनर, पिस्टन, वो अच्छे से अपने जगह पर सेटिंग आ जाए। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट भी करके दिखाएंगे और इसका आवाज़ साउंड सुनाएंगे, और उसके बाद में इसका जो स्मोकिंग है कैसा आ रहा वो भी दिखाएंगे। तो बस हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर को और उसके बाद दिखाते हैं कि अभी इसका साउंड कैसा है, स्मोकिंग कैसा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है और अभी हम इसका स्मोकिंग दिखाएंगे और इसका साउंड भी सुनाएंगे। तो जैसा कि आप इसका साउंड सुन रहे होंगे और किस तरह से कितना मीठा साउंड आ रहा है, कितना अच्छा साउंड आ रहा है इंजन का,
तो साउंड भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, और इसका स्मोकिंग भी दिखाएंगे। तो एक बार हम इंजन को बंद करेंगे और फिर से स्टार्ट करके इसका धुआं का जो कलर है वो कलर को दिखाएंगे। बंद कीजिए और हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और इसका स्मोकिंग और धुआं के कलर को दिखाएंगे किस तरह से धुआं स्मोकिंग हो रहा है, ब्लैक या वाइट। तो बिल्कुल इसमें काला और हल्का मिक्स सफ़ेद भी स्मोकिंग आ रहा है। तो अभी ये इंजन 8 घंटा के लमसम हम इसको चलाएंगे ताकि इसका स्मोकिंग धुआं जो ब्लैक और सफ़ेद आ रहा है वो धुआं पक जाए और कच्चा धुआं ना आए, सफ़ेद वाइट धुआं नहीं आना चाहिए। तो अभी 8 घंटा हमें इसे रामा करना है, इंजन को फ्री चलाना है बिना लोड के, उसके बाद इस पर लोड देना शुरू करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आपने लाकर देखा होगा और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।